बस मैच करना, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, टाइम किल होता है ना ऐसे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर बना देते हैं सबसे पहले, जो समझ में आता है वो हमने बना दिया। तो ये पार्ट, ये बी पार्ट। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट ये होगा एकदम बॉटम वाला पार्ट। यहां से कितनी दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर, यहां से 20 मीटर की दूरी पर कुछ, कोई ना कोई एक पॉइंट हमने लगा दिया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, कहां से एलिवेशन है ऊपर की तरफ देख रहे, कितना बना? 30 डिग्री बना। क्या मांग रहा है? हाइट ऑफ द टावर। ये तो बहुत रद्दी क्वेश्चन दे दिया ना, कुछ टाइम बस ड्रॉ करना था आंसर सामने। सो 10 30 डिग्री पी बाई बी, तो हाइट ऑफ द टावर ए बी अपॉन बी सी। सो 10 30 डिग्री इट इज 1/√3। सो ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी सी की वैल्यू 20 है। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 20/√3। लेकिन हम इरेशनल नंबर को कभी भी मान्यता नहीं देते, रिकॉग्नाइज नहीं करते डिनोमिनेटर। सो यहां पर हमें इरेशनल नंबर हटाना है, तो इसे रैशनलाइज किया जाए, अब आंसर आएगा। इट इज द आंसर, मीटर लगा देना यूनिट। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3/3। पॉइंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर अगेन, अगर आपको न्यूमेरिकल में रूट थ्री की वैल्यू दे दी जाए तो पुट करना, और नहीं दे दी जाए तो मत करना। और अगर पुट दे दी जाए वैल्यू तो पुट जरूर करके आना, अगर छोड़ आए तो आधा नंबर उसका भी कट जाएगा। अगर क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है, अगर दे दी जाए तो आपको लगानी जरूरी है, और अगर नहीं दी है तो बिल्कुल मत लगा के आना, फिर ऐसे आंसर छोड़ के आना, आंसर छोड़ के आना। नेक्स्ट पर आते हैं।